भारत इस बार बनेगा यूएनएससी का स्थायी सदस्य, तीन देशों ने किया भारत का समर्थन, फ्रांस ने कहा भारत को मिले स्थायी सदस्यता। पाकिस्तान ने यूएन में उठाया कश्मीर का मुद्दा, विदेश मंत्री जयशंकर ने पाक को दिया जवाब, लादेन की खातिरदारी करने वाले उपदेश ना दें। फ्रांस से खरीदा गया अंतिम राफेल भी पहुंचा भारत, अंतिम विमान के साथ हुई खेप, पूरी वायुसेना ने ट्वीट कर दी जानकारी। संसद में उठा जहरीली शराब से मौतों का मुद्दा, भाजपा सांसद ने कहा सामूहिक हत्या करा रही बिहार सरकार। अमरोहा पहुंचे मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनय कुमार, प्राथमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण, बच्चों के साथ बैठकर कमिश्नर ने खाया मिड डे मील। नोएडा के सेक्टर 20 में बने पुलिस बैरक का पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया उद्घाटन, पुलिस कर्मियों को मिलेगी सभी सुविधाएं। कासगंज में हुआ एएसपी की गाड़ी का एक्सीडेंट, बोलेरो पिकअप ने मारी एएसपी की गाड़ी को टक्कर, क्षतिग्रस्त हुई एएसपी की गाड़ी। नेपाल में नई सरकार बनने की प्रतिक्रिया शुरू, चुनाव की अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी, नेपाल के मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 39 लोगों की मौत, नीतीश बोले जो पिएगा वो मरेगा, जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामेदार, बार राज्यसभा स्थगित, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष का लोकसभा से वॉकआउट। तवांग में सामान छोड़कर भागे थे चीनी सैनिक, झड़प वाली जगह से चाइनीज स्लिपिंग बैग मिले, एनएसी पर दो दिन उड़ान भरेंगे राफेल। गोधरा कांड के 15 दोषियों की जमानत पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा किस आरोपी का क्या रोल था। मध्य प्रदेश में बारिश के आसार, इंदौर में हल्की बूंदाबांदी, हरदा बैतूल में भी भीगेगी बढ़ेगी ठंड, आज भी बारिश के आसार। चीन से झड़प के बीच भारत के ब्रह्मास्त्र में टेस्टिंग, अग्नि 5 ने 5000 केएम के टारगेट को ध्वस्त किया, चीन पाक समेत आधी दुनिया जद में। 3 दिन से चट्टानों में फंसा व्यक्ति जिंदा निकाला गया, जगह बनाने के लिए धमाके किए, 13 चट्टानें हटाई तब मिली कामयाबी।